तो भाई जेउसो ने कल के स्मैकडाउन के अंदर ऐसा कहा कि आई एम आउट फ्रॉम ब्लड लाइन, आउट फ्रॉम स्मैकडाउन एंड आउट फ्रॉम WWE, जो कि बिल्कुल सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं है। मैंने आपको कल अपडेट्स के अंदर भी बताया कि 25 अगस्त के स्मैकडाउन के लिए वो एडवर्टाइज हैं, तो वहाँ पे आना पड़ेगा उनके नाम से अगर टिकट्स भी करिए तो। लेकिन अभी सही में क्या है, सीरियस है, क्वेश्चन उठ चुका है, क्योंकि WWE ने इनको अपने रोस्टर के पेज पे से ही हटा दिया है। वो जो एक्टिव लिस्ट होती है रॉ, स्मैकडाउन, NXT वाली या फिर चैंपियंस वाली, ये जो पूरी लिस्ट होती है ना, उस लिस्ट से ही रिमूव करके इनको एल्यूमिनी सेक्शन के अंदर दिया है। अब एल्यूमिनी सेक्शन आपको पता होगा, अभी तक तो नहीं पता तो बता दूं, एल्यूमिनी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे कि रिटायर्ड या फिर फायर्ड या फिर जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो सुपरस्टार्स वहाँ पे होते हैं। जिसमें से कि एग्जांपल में आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स थे जो रिसेंटली में WWE से फायर हुए थे। फॉर एग्जांपल AJ Lee WWE के अंदर नहीं है, तो वो एल्यूमिनी सेक्शन के अंदर है। और भी कई सारे स्टार्स हैं जो कि एल्यूमिनी सेक्शन में है बट वो WWE के अंदर नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे जेउसो के साथ हो चुकी है। जेउसो को WWE ने डाल दिया है मेन रोस्टर पेज से हटा के एल्यूमिनी सेक्शन के अंदर। इसका मतलब WWE के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेउसो अब कंपनी के अंदर नहीं है। एंड ये चीज़ सही में सीरियस दिख रही है, क्योंकि इतना कुछ करना, हालांकि देखो यार, मतलब अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, क्योंकि कंपनी के अंदर है भी नहीं भी है, क्योंकि WWE प्रिटेंड ऐसा करना चाह रही है कि ये है नहीं कंपनी के अंदर। बट फॉर्चुनेटली उसी दूसरी साइड देखो तो जेउसो कंपनी के लिए एडवर्टाइज भी किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी स्टोरी की वजह से जेउसो WWE छोड़ के चले जाएँ। एंड अगर पे बैक के अंदर ये मैच करना है जे वर्सेस जिमी का, तो इस मैच को करने के लिए बिल्ड भी चाहिए। अभी अचानक से 3 हफ्ते गायब होके चौथे हफ्ते वापस आ जाएंगे, तो मैच कैसे होगा, तो वो भी एक क्वेश्चन है। स्टोरी कहाँ जा रही है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से रिक्सी जो है वही वापस लेके आएंगे जेउसो को, ये हो सकता है, दिस इज व्हाट आई गेस, मुझे लगता है। बाकी देखना होगा क्या होता है। फिलहाल के हिसाब से अगर बात करें सिर्फ स्टोरी वगैरह भूल जाए, सिर्फ WWE की बात करें कि क्या देख के लग रहा है, तो उस हिसाब से जेउसो सीरियसली कंपनी से फायर हो चुके हैं या फिर अपनी मर्जी से कंपनी से निकल चुके हैं। बाकी फिलहाल यही मान के चलो, फिर जब आएंगे तो आएंगे, देखा जाएगा। अभी के हिसाब से जेउसो WWE के अंदर नहीं है। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो आपको पता चल गया हो क्या हो रहा है क्या नहीं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम थ्रेड ट्विटर पर, सबके लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।